अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मेरी दुआ है कि आप सब लोग खुश रहें, अच्छा पकाएं, अच्छा खिलाएं। आज मैं आप लोगों के लिए एक झटपट सा क्विक सा ईद केक लेके आई हूं, जिसमें कि ना तो मैदा डलेगा, ना अंडा डलेगा, ना बेकिंग होगी। इतना क्विक बन जाएगा, जल्दी से बन जाएगा और आपके मेहमान इंस्पायर हो जाएंगे। लेकिन इससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस आपको सबसे पहले मिले। इसके इंग्रेडिएंट्स भी बहुत कम है, बहुत कम इंग्रेडिएंट्स में बहुत मजे का और बहुत जल्दी और बहुत क्विक ये केक बन जाएगा। इसके लिए मैंने दूध लिया है 1/2 लीटर और मैंने इसमें कॉफी ली है 2 से 3 टीस्पून और मैंने इसमें चीनी ली है तकरीबन 3 टेबलस्पून। अब इसको क्या करना है कि एक पैन में मैं ये सारी चीजें डाल दूंगी, 1/2 लीटर दूध और कॉफी। अगर आपको ज्यादा फ्लेवर पसंद है तो आप 3 टीस्पून डाल दें, वरना आप 2 टीस्पून डाल दें। और अगर आप चाहते हैं इसको चॉकलेट फ्लेवर में बनाना तो आप इसकी जगह कोको पाउडर भी यूज कर सकते हैं, लेकिन कॉफी से टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और इसमें मैंने चीनी डाल रही हूं तकरीबन 3 टेबलस्पून और इसको अच्छे से मिक्स करना है। बहुत कम इंग्रेडिएंट्स हैं, बहुत कम चीजें हैं इसमें और इसको मैं बनाऊंगी रस्क के साथ। आप सोच रहे होंगे मैदा नहीं, अंडा नहीं, बेकिंग नहीं तो कैसे बनेगा, तो मैं इसको रस्क के साथ बना रही हूँ और इसको अच्छे से मिक्स करके मैंने चूल्हे पे चढ़ा दिया है। बस इसको जब तक के लिए पकाना है तब तक के लिए पकाना है जब तक के इसमें उबाल आ जाए। उबाल आ जाएगा तो मैं इसको उतार दूंगी। अब इसमें उबाल आ गया है, अब मैं इसको साइड पे रख दूंगी ठंडा होने के लिए और नेक्स्ट स्टेप बताती हूँ कि क्या करना है। बहुत कम चीजें हैं लेकिन बहुत मजे का बनता है। इसके लिए मैंने 1 पैकेट टेट्रापैक क्रीम ली है और 1/2 कप मैंने घर की जो दूध की बलाई होती है वो लिया है और मैंने इसमें बारीक चीनी ली है 2 टेबलस्पून और कोको पाउडर लिया है मैंने इसमें तकरीबन 1.5 से 2 टेबलस्पून। ज्यादा फ्लेवर पसंद है तो 2 टेबलस्पून डाल लीजिए, कम पसंद है तो 1.5 टेबलस्पून डाल लीजिए और इसमें बारीक चीनी जाएगी 2 टेबलस्पून और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। और मैंने इसमें एक थोड़ी सी चॉकलेट्स ली है, उनको बारीक चॉप किया है, वो इसमें मैं ऐड कर दूंगी। कोई भी चॉकलेट है आपके पास वो डाल लीजिए। मेरे पास ये वाली चॉकलेट अवेलेबल थी तो मैंने इसमें ये डाल दी। कोई भी चॉकलेट आपके पास अवेलेबल है तो आप उसको बारीक चॉप करके इसमें डाल लीजिए। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। जब चॉकलेट के चंक्स मुंह में आते हैं तो बहुत मजे का टेस्ट आता है। इसको इसमें मिक्स कर लीजिए। अब मैं नेक्स्ट स्टेप बता दूं आपको। इसके लिए मैंने रस्क लिए हैं, जिसको कि हम पापा भी बोलते हैं, तो रस्क पापे जो हैं वो मैंने लिए हैं। अब इसको मैं दूध का मिक्सचर जो मैंने बॉईल किया था, जिसमें मैंने कॉफी और चीनी डाल के बॉईल किया था, इसमें डिप करूंगी और डिश में सेट कर लूंगी। तो ये आपके मतलब डिश पर डिपेंड करता है। आपकी छोटी डिश है तो छोटा बन जाएगा, बड़ी डिश है तो बड़ा केक बन जाएगा, तो आपकी डिश पर डिपेंड करता है। तो जितनी आपके डिश का साइज है उतने इसमें आपके पापे यूज होंगे। मैंने इसको डिप करके दूध के मिक्सचर में सेट कर दिया है। ऊपर से मैं इसमें क्रीम का मिक्सचर डाल रही हूँ, जिसमें मैंने फ्रेश क्रीम डाली है, बलाई डाली है, 1 पैकेट मैंने टेट्रा पैक क्रीम डाली है और 1/2 कप मैंने इसमें नॉर्मल जो फ्रेश मिल्क होता है उसकी बलाई डाली है। आप चाहें तो इसमें पूरी टेट्रा पैक क्रीम भी डाल सकते हैं। अब दूसरी लेयर में सेट करूंगी, इसी तरह से दूध में डिप करूंगी और इसी तरह से इसको सेट कर दूंगी। दूसरी लेयर भी सेट हो गई है, इसके ऊपर से मैं दोबारा से क्रीम का मिक्सचर डालूंगी। आप चाहें तो इसको फुली कोको पाउडर से बना सकते हैं, आप चाहें तो इसको फुली कॉफी से बना सकते हैं। मैंने दोनों फ्लेवर्स इसमें यूज किए हैं। मैंने 3 लेयर्स लगाई हैं पापे की और जो बचा हुआ थोड़ा सा दूध है वो मैं ऊपर से डाल दूंगी। और लास्ट लेयर है, ये 3rd लेयर है रस्क की। अब मैं इसके ऊपर से जो क्रीम बची है सारी की सारी इसके ऊपर डाल दूंगी और इसको आप साइड से अच्छा सा सेट कर लीजिए। साइड्स में क्रीम है उसको आप स्पैचुला की मदद से ऊपर डाल दीजिए। अब मैं इसके ऊपर जो है ये कॉफी पाउडर छिड़क रही हूँ। आप चाहें तो कोको पाउडर भी छिड़क सकते हैं, कॉफी पाउडर, कोको पाउडर, जो भी चाहे इसके ऊपर छिड़क लें। इससे बड़ी इसकी लुक अच्छी आती है, टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। और मैं इसके ऊपर से मैंने व्हाइट चॉकलेट चिप्स लगा दी हैं। आप चाहें तो फ्रेश क्रीम से भी डेकोरेट कर सकते हैं, चॉकलेट सिरप से भी डेकोरेट कर सकते हैं। जबरदस्त सा क्विक सा हमारा जो है केक तैयार हो चुका है। इसको आप ठंडा करें फ्रीजर में रख के 2 से 3 घंटे के लिए, रात को बना रहे हैं ओवरनाइट ठंडा कर लें। मैं आपको इसकी प्लेटिंग करके बता देती हूँ। अच्छी सी प्लेटिंग करेंगे, अच्छा सा प्रेजेंट करेंगे तो आपकी चीज जो है उसको 4 चांद लग जाएंगे। मजे की तो वैसे ही बनी ही होगी लेकिन जब प्रेजेंटेशन अच्छी होगी तो उस चीज को 4 चांद लग जाते हैं। मेहमान भी इंस्पायर होते हैं, घर वाले भी इंस्पायर होते हैं, तो जब तारीफ होती है तो बहुत मजा आता है।
इस तरह से हम इसकी प्लेटिंग करेंगे। इसका स्लाइस कट करके मैं आपको दिखा दूं कितना मजे का, कितना सॉफ्ट और बहुत ही मजे का ये केक बनता है और बहुत जल्दी बन जाता है, बहुत कम इंग्रेडिएंट्स में बनता है। अचानक से कोई मेहमान आ रहे हैं आपको पता चला तो आप इसको बना लें और 2-3 घंटे के लिए फ्रीजर में रख दें, ठंडा हो जाएगा, बहुत मजे का लगेगा। आप लोग इसको जरूर ट्राई कीजिएगा ईद पे, ईद के लिए ये बेस्ट आइटम है क्योंकि और भी बहुत से काम होते हैं तो झटपट क्विक आइटम्स जो हैं वो हमें ईद पे ओकेजन्स पे बहुत अच्छे लगते हैं। ये देखिए कितना जबरदस्त और सॉफ्ट लग रहा है ये देखने में, आप लोग इसको जरूर ट्राई कीजिएगा। ये बहुत मजे का बनता है, बहुत झटपट बनता है और तकरीबन इसमें जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो सब घर पे अवेलेबल होते हैं। आपको पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, और मुझे दुआओं में जरूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।